निरीक्षक होने के बावजूद भी क्योंकि होता क्या है कि हम लोग नई किताब पढ़ते हैं, हाथ में जो नई किताबें आ गई हैं, फर्नीचर आ गया है, लाइब्रेरी सेट हो गई। देखिए जैसा मैंने बताया था कि 2012 से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला कारागारों में बिमटेक के द्वारा पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7 जिला कारागारों में पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें जिला कारागार लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा और इटावा है। अभी 4 जिला कारागारों में पुस्तकालय स्थापित और किए जाने हैं, जिनकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। उसमें सबसे पहले जिला कारागार बुलंदशहर, उसके बाद में फिरोजाबाद, मथुरा और कानपुर, ये 4 और शामिल हैं। जहाँ तक जिला कारागार गौतम बुद्ध जिला कारागार बुलंदशहर में पुस्तकालय स्थापित करने की बात है, पुस्तकें आ चुकी हैं, फर्नीचर आ चुका है, सारी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि शायद इस महीने के अंत तक या बहुत ज़्यादा हुआ तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा एवं यह पुस्तकालय बंदी भाइयों के लिए खोल दिया जाएगा। बातचीत के दौरान कुछ बता रहे थे डिमांड बंदी, ऐसा है कि जिस तरीके से पीछे चूंकि पीछे 1.5 साल से लगभग इस पुस्तकालय को खोलने की कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि एक पुस्तकालय खोलने के लिए हम लोग कहीं से मार्केट से किताबें उठाते हैं और लाके रख देते हैं। पुस्तकालय की एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें पुस्तकों का चयन है, वहाँ के जो इंटैक्ट होल्डर हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, जो कि कैदी भाई होते हैं, उन लोगों से बातचीत की जाती है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, उन लोगों से बात की जाती है, उसी के पश्चात पुस्तकों का चयन किया जाता है। तो इन लोगों से बातचीत में ये निकल के आया, जैसे आज भी मैं वहाँ गया तो वहाँ कुछ लोगों ने लिस्ट दी है, तो यहाँ के बंदी भाई योगा और आयुर्वेद, इसके ऊपर उन्होंने डिमांड दी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है, और ख़ास तौर से आचार्य जो रामदेव के यहाँ की बुक्स, तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बिमटेक फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है उसके मन में जो विचार आते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करता है, चाहे अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे। कारागार में जो भी व्यक्ति निरुद्ध हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब अपराधी होते हैं, 70% तो बंदियों के न्यायालय में मुकदमे चल रहे होते हैं और 25% या 30% लगभग जो है वो कन्विक्टेड होते हैं। तो अब चूंकि बंदियों के पास कारागार में कोई काम तो होता नहीं विशेष काम, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद जो उनका खाली समय होता है, यदि वो किसी कार्य में व्यस्त नहीं रहेंगे, किसी चीज़ में पठन पाठन में, तो वो कहीं ना कहीं उसका समय का दुरुपयोग होता है और आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या होते भी हैं। अभी तक जब पुस्तकालय की स्थापना नहीं है कारागार में तो केवल अखबार ही आता है जो प्रत्येक बंदी को मिलता पढ़ने को, प्रत्येक बैरक में जाता है तो अखबार ही पढ़ने का एक माध्यम है। पुस्तकालय खुल जाने से उनमें जो पुस्तकें हैं उनको एक तो पढ़ने में उनका जो समय है अपने समय का सदुपयोग करेंगे, दूसरे जो पुस्तकों से उनको जो शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, तो उनके मन मस्तिष्क पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।